हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो जेपी चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांक के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधीर गालिक और सुधीर और सगन सिप्पिक और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिप्पिक के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छायाकान की, जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहाँ पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया, जहाँ पर फिल्म को आलोचकों का मिश्रित समीक्षा मिली, जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म है, यह नियमित प्रेम कहानी है, लेकिन सुली गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधीर गाली सुधीर व गहन सिप्पिक अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया भर में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपए और 5वें दिन 65 लाख, 6ठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपए का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधीर गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय निर्देशक व पाठकर्ता के साथ देखा गया, जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्टर जबरदस्त पो पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के विजयवाड़ा द्वारा देखे गए, जिसके आनंददायक सक्षम रूप से हैं और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ, जहां पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के 2 लीडरों को एक नाम बना दिया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा, जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित
समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के थर्ड वन के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली छमाही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी छमाही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है। जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित तीन मंजी के द्वारा अभिनय किया जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला लोड के साथ रही जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जानी लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल लियोन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था जैसा ये गायकों को स्वयं कहता था और यहाँ तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुधमान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। भीष्म सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गहन रुचि की थी जहाँ पर विशेष रूप से शीशरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी 8वीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें वे अभी भी रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं और वर्ष बाद भीम को खनन में अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक TV शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए जहाँ पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया। जहाँ पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया। दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे। हालांकि वह निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर जो उस पर समय के साथ आयुधमान के साथ काम किया और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधु मयान के साथ संगीतकार वंदेत्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओजना
कर्नाक द्वारा गाया गया, जहां पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुदीर और मत्रन मुगध का कर देना था, जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटुअर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया, जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया। और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था, क्योंकि दोनों संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं। इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्दर्शनों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। उपयोगिता सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने काकिलिया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमएस की डिग्री ली। और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद बता दिया गया भी वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई और एक अलग श्रृंखला एमएस कुमार के जिन्होंने भीम को काम सुना था वह फिल्म के नुवानेन के कार्यक्रम निर्माता बने, जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियर ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई, जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया। वहीं पर कहा जाता है जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई, दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं, जिसकी कास्म खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई, भीम ने पीजेड गुरु और वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहां पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहां पर फिल्म को जीताख और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्य से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लॉ दी स्पॉटलाइट के साथ उनके एल्बम के अधिकांश गाने व लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो भीष्म सिसोदिया वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है, बताया जाता है साकला शंकर जो एक भारतीय बैटर राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं, वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ 10वीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉयल में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में, इसके बाद कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणों अभिनय किया जो
जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामूढ़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर परनजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया, बताया जाता है पृथ्वी जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ जो एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उफ नाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल्ड एल्स कांग्रेस पार्टी राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तंभ के द्वारा संचालित BCCI TV चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ूपेरी द्वारा हुआ, जहां पर उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया और इसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तमीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म को श्रृंखला को ऑडिशन यूट्यूब पर वायरल हो गई, जहां पर ABB के द्वारा काफ़ी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं, जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश ज्यादातर सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखर काकुमुला द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्दर्शन किया जहां पर डॉलर डीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली, जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता, जहां पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमानेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेन द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे गए, जहां पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चितरपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम बदल लिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बॉम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देशक शुरू।
जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी, जो 2022 को इसे रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया, जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्व के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देवगीला सुधीर गहन, जिसके बाद यह श्रृंखला काफी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और अपनी श्रृंखला में एक बेहतरीन देखी गई। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी को 2022 में, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो जेपी चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांग के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधी गालिक और सुधीर और सगन सिपिक और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिपिक के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छाया खान की, जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहाँ पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया, जहाँ पर फिल्म को आलोचकों का मिश्रित समीक्षा मिली, जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म या नियमित प्रेम कहानी है, लेकिन सुली गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधी गाली सुधीर व गेहन सिपिक अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया बार में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपए और पांचवें दिन 65 लाख, छठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपए का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधी गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय निर्देशक व पटकथा के साथ देखा गया, जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्टर जबरदस्त पो पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनरेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के
VGIRA द्वारा देखे गए, जिसके आनंददायक सक्षम रूप से है और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ, जहाँ पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के दो लीडरों को एक नाम बना दिया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा, जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के 3rd के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली छमाही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी छमाही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है, जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित 3 मंजी के द्वारा अभिनय किया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया, जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला लोड के साथ रही, जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं, भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जानी लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल लियोन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक के ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था, जैसा ये गायकों को स्वयं कहता था और यहाँ तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुष्मान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। भीष्म सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था, जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गहन रुचि की थी, जहाँ पर विशेष रूप से शिशरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी 8वीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वे अभी भी रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं और वर्ष बाद भीम को खनन में अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक TV शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए, जहां पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया, जहां पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया। दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया, जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे, हालांकि वह
निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर, जो उस पर समय के साथ आयुधवान के साथ काम किया, और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया, जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधुमायान के साथ संगीतकार वंदे त्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए, और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओजना करनाक द्वारा गाया गया, जहाँ पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुधिर और मत्रन मुगध का कर देना था, जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटुअर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया, जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया। और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था, और क्योंकि दोनों संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं, इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया, और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्दर्शनों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। उपयुक्त सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने काकिलिया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमएस की डिग्री ली, और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद बता दिया गया भी। वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई और एक अलग श्रृंखला एमएस कुमार के, जिन्होंने भीम को काम सुना था, वह फिल्म के नुवा नेम के कार्यक्रम निर्माता बने, जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियार ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई, जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया। वहीं पर कहा जाता है जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई, दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं, जिसकी कसम खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई, भीम ने पीजेड गुरु और वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा, जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहां पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहां पर फिल्म को जीताक और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्यम से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लौट दी स्पॉटलाइट के साथ। उनके एल्बम के अधिकांश गाने वह लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो भीष्म सिसोदिया, वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है। बताया जाता है साकला शंकर, जो एक भारतीय बैटर राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं, वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका
के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ 10वीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉय में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में। इसके बाद कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणो अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामूड़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर परनजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया, बताया जाता है पृथ्वी जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ जो एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उप नाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल एल्स कांग्रेस पार्टी राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तंभ के द्वारा संचालित BCCI टीवी चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ुपेरिक द्वारा हुआ, जहाँ पर उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया और इसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तामीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म को श्रृंखला को ऑडिशन यूट्यूब पर वायरल हो गई, जहां पर ABB के द्वारा काफ़ी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं, जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश ज़्यादातर सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखर काकुमुलाक द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्दर्शन किया जहां पर डॉलर डीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली, जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता, जहां पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेंडिक द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ
देखे गए, जहां पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है, जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चितरपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए, जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम बदल लिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बॉम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देशक शुरू, जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी, जो 2022 को इसे रिलीज किया गया और इसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया, जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्य के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देव गीला सुधीर गहन, जिसके बाद यह श्रृंखला काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और अपनी श्रृंखला में एक बेहतरीन देखी गई। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी को 2022 में, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो जेपी चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांक के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधीर गालिक और सुधीर और सगन सिपिक और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिपिक के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छाया खान की जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहाँ पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया, जहाँ पर फिल्म को आलोचकों व मिश्रित समीक्षा मिली, जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म या नियमित प्रेम कहानी है, लेकिन सुली गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधीर गाली सुधीर व गेहन सिपिक अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई की और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया
भर में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपया और पांचवें दिन 65 लाख, छठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपये का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधी गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय निर्देशक व पटकथा के साथ देखा गया जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्ट्रेस जबरदस्त पो पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनरेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के विजयाड़ा द्वारा देखे गए जिसके आनंददायक सक्षम रूप से है और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ जहां पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के दो लीडरों को एक नाम बना दिया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के 3rd वन के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली 6 माही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी 6 माही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित 3 मंजी के द्वारा अभिनय किया जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला लोड के साथ रही जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जानी लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल लेन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था जैसा एक गायकों को स्वयं कहता था और यहां तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुधमान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। भीष्म सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गहन रुचि की थी जहाँ पर विशेष रूप से शिशरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी 8वीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें वे अभी भी
रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं और वर्ष बाद भीम को खनन में अपने डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक टीवी शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए, जहाँ पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया। जहाँ पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया। दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया, जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे। हालांकि वह निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर जो उस पर समय के साथ आयुधवान के साथ काम किया और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया, जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधुमयान के साथ संगीतकार वंदे त्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओइजना करनाक द्वारा गाया गया, जहां पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुधीर तौर मत्रन मुगध का कर देना था, जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटवर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया, जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया। और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था और क्योंकि दोनों संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं, इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्दर्शनों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। उपयुक्त सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने काकिलिया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमएस की डिग्री ली और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद बता दिया गया भी। वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई और एक अलग श्रृंखला एमएस कुमार के जिन्होंने भीम को काम सुना था वह फिल्म के नुवानेन के कार्यक्रम निर्माता बने, जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियार ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई, जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया। वहीं पर कहा जाता है जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई, दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं, जिसकी कसम खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई,
भीम ने पीजेड गुरु और वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा है जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है यार इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहाँ पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहाँ पर फिल्म को जीताख और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्य से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लौट दी स्पॉटलाइट के साथ उनके एल्बम के अधिकांश गाने वह लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो विष्णु सिसोदिया वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है। बताया जाता है साकला शंकर जो एक भारतीय बैटर राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं, वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ 10वीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉय में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में इसके बाद कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणो अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देने ते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामुड़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर परनजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया। बताया जाता है पृथ्वी जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ जो एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उपनाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल एल्स कांग्रेस पार्टी राजकीय सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तम के द्वारा संचालित BCCI टीवी चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ुपेरिक द्वारा हुआ, जहां पर उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया और इसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तामीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म को श्रृंखला को ऑडिशन यूट्यूब पर वायरल हो गई, जहां पर ABB के द्वारा काफ़ी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं, जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश ज़्यादातर
सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखवर काकुमुलाक द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्दर्शन किया जहां पर डॉलर डीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता जहाँ पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेंडिक द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे गए जहाँ पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चितरपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम बदल लिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बॉम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देश शुरू, जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी जो 2022 को इसे रिलीज किया गया और इसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्य के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देवगीला सुधीर गहन, जिसकी बाद यह श्रृंखला काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और अपनी श्रृंखला में एक बेहतरीन देखी गई। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी को 2022 में, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो जेपी चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांक के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधी गालिक और सुधीर और सगन सिपिक और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिपिक के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छाया खान की जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहाँ पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया जहाँ पर फिल्म को आलोचकों का मिश्रित समीक्षा मिली जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म, यह नियमित प्रेम कहानी है। लेकिन सुली
गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधी गाली सुधीर व गेहन सिपिक अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया भर में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपये और 5वें दिन 65 लाख, 6ठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपये का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधी गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय निर्देशक व पाठकथा के साथ देखा गया, जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्ट्रेस जबरदस्त पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनरेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के विजयाड़ा द्वारा देखे गए, जिसके आनंददायक सक्षम रूप से है और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ, जहां पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के 2 लीडरों को एक नाम बना दिया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा, जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के 3rd वन के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली 6 माही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी 6 माही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है, जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित 3 मंजी के द्वारा अभिनय किया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया, जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला लोड के साथ रही, जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं, भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जानी लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल लेओन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक के ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था, जैसा ये गायकों को स्वयं कहता था और यहाँ तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुष्मान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। भीष्म सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयाराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था, जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गहन रुचि की थी, जहाँ पर विशेष रूप से
शिशरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी आठवीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें वे अभी भी रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं और वर्ष बाद भीम को खनन में अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक टीवी शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए जहां पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया। जहां पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे। हालांकि वह निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर जो उस पर समय के साथ आयुधवान के साथ काम किया और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधुमयान के साथ संगीतकार वंदेत्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओजना करनाक द्वारा गाया गया जहां पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुधिर तौर मत्रन मुगध का कर देना था जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटवर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था और क्योंकि दोनों संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्देशनों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उपयुक्त सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया जिसके बाद उन्होंने काकिलिया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमएस की डिग्री ली और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया जिसके बाद बता दिया गया भी वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई और एक अलग श्रृंखला एमएस कुमार के जिन्होंने भीम को काम सुना था वह फिल्म के नुवानेन के कार्यक्रम निर्माता बने जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियार ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया। वहीं पर कहा जाता है जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं जिसकी कास्म
खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई। भीम ने पीजेड, गुरुड, वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा, जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है यार इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहाँ पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहाँ पर फिल्म को जीताख और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्य से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लौ दी स्पॉटलाइट के साथ उनके एल्बम के अधिकांश गाने व लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो भीष्म सिसोदिया, वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है। बताया जाता है साकला शंकर जो एक भारतीय बैटर, राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं। वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ 10वीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉयल में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में, इसके बाद कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणो अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामूढ़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर परनजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया। बताया जाता है पृथ्वी, जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ, जो एक भारतीय अभिनेता, राजनीतिज्ञ, तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उपनाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल एल्स कांग्रेस पार्टी राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तंभ के द्वारा संचालित BCCI टीवी चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ुपेरिक द्वारा हुआ, जहां पर उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया, जिसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तामीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म
श्रृंखला को ऑडिशन यूट्यूब पर वायरल हो गई, जहां पर एबीबी के द्वारा काफी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं। जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश, ज़्यादातर सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखवर काकुमुलाक द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्दर्शन किया, जहां पर डॉलर डीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली, जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता, जहां पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमानेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेंडिक द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे गए, जहां पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है, जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चित्रपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए, जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम बदल लिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देशक शुरू, जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी, जो 2022 को इसे रिलीज किया गया और इसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया, जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्य के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देव गीला सुधीर गहन, जिसकी बाद यह श्रृंखला काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और अपनी श्रृंखला में एक बेहतरीन देखी गई। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी को 2022 में, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो जेपी चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांक के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधी गालिक और सुधीर और सगन सिपिक और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिपिक के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छायाकान की जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति
के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहां पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया, जहाँ पर फिल्म को आलोचकों व मिश्रित समीक्षा मिली। जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म है। यह नियमित प्रेम कहानी है लेकिन सुली गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधी गाली सुधीर व गहन सिपिक अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया भर में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपया और पांचवें दिन 65 लाख, छठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपये का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधी गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय निर्देशक व पटकथा के साथ देखा गया, जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्ट्रेस जबरदस्त पो पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के विजयाड़ा द्वारा देखे गए, जिसके आनंददायक सक्षम रूप से है और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ, जहां पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के 2 लीडरों को एक नाम बना दिया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा, जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के 3rd वन के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली 6 माही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी 6 माही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है, जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित 3 मंजी के द्वारा अभिनय किया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया, जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला लोड के साथ रही, जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं, भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जाने लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल
लियोन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था, जैसा ये गायकों को स्वयं कहता था। और यहाँ तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुष्मान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। विष्णु सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था, जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गान रुचि की थी, जहाँ पर विशेष रूप से तीसरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी आठवीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वे अभी भी रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं। और वर्ष बाद भीम को खनन में अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक टीवी शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए, जहाँ पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया। जहाँ पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया। दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया, जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे। हालांकि वह निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर जो उस पर समय के साथ आयुष्मान के साथ काम किया और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया, जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधुमयान के साथ संगीतकार वंदे त्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहाँ पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओइजना करनाक द्वारा गाया गया, जहाँ पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुधिर तौर मत्रन मुगध का कर देना था, जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटवर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया, जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया। और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था और क्योंकि दोनों संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं, इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्देशनों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उपयुक्त सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने
काकिलिता है और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी MS की डिग्री ली, और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया जिसके बाद बता दिया गया भी वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई। और एक अलग श्रृंखला MS कुमार के, जिन्होंने भीम को काम सुना था, वह फिल्म के नुवानेन के कार्यक्रम निर्माता बने, जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियर ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई, जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया वहीं पर कहा जाता है, जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई, दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं, जिसकी कसम खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई, भीम ने PZ गुरुड वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहां पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहां पर फिल्म को जीताख और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्य से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लौ दी स्पॉटलाइट के साथ उनके एल्बम के अधिकांश गाने व लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो भीष्म सिसोदिया वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है। बताया जाता है साकला शंकर जो एक भारतीय बैटर राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं, वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ 10वीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉय में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में, इसके बाद कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणो अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देने ते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामूढ़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर परनजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया। बताया जाता है पृथ्वी जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ जो एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उपनाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल एल्स कांग्रेस पार्टी राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तंभ के द्वारा संचालित BCCI TV चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ूपेरिक द्वारा हुआ, जहाँ पर
उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया, जिसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तामीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म को श्रृंखला को ऑडिशन यूट्यूब पर वायरल हो गई, जहां पर ABB के द्वारा काफ़ी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं, जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश ज़्यादातर सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखवर काकुमुलाक द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्देशन किया जहां पर डॉलर डीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली, जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता, जहां पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमानेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेंडिक द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे गए, जहां पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चितरपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए, जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम बदल लिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बॉम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देश शुरू, जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी जो 2022 को इसे रिलीज किया गया, इसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया, जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्य के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देव गीला सुधीर गहन, जिसके बाद यह श्रृंखला काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और अपनी श्रृंखला में एक बेहतरीन देखी गई। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी को 2022 में, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो JP चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांक के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधी गालिक और सुधीर और सगन सिपिक और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता
सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिप्पी के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छाया खान की जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को भीष्म सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहाँ पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया, जहाँ पर फिल्म को आलोचकों व मिश्रित समीक्षा मिली। जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म है। यह नियमित प्रेम कहानी है लेकिन सुली गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधी गाली सुधीर व गहन सिप्पी अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया बार में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपए और पांचवें दिन 65 लाख, छठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपए का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधी गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय निर्देशक व पाठकर्ता के साथ देखा गया, जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्ट्रेस जबरदस्त पो पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनरेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के विजयाड़ा द्वारा देखे गए, जिसके आनंददायक सक्षम रूप से है और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ, जहां पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के 2 लीडरों को एक नाम बना दिया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा, जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के 3rd वन के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली 6 माही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी 6 माही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है, जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित 3 मंजी के द्वारा अभिनय किया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया, जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला
लोड के साथ रही, जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं, भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जानी लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल लेओन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था, जैसा ये गायकों को स्वयं कहता था। और यहाँ तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुधमान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। भीष्म सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था, जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गहन रुचि की थी, जहाँ पर विशेष रूप से शिशरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी 8वीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वे अभी भी रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं। और वर्ष बाद भीम को खनन में अपने डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक TV शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए, जहां पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया। जहां पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया। दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया, जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे। हालांकि वह निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर जो उस पर समय के साथ आयुधमान के साथ काम किया और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया, जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधु मयान के साथ संगीतकार वंदेत्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओइजना करनाक द्वारा गाया गया, जहां पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुदिर और मत्रन मुगध का कर देना था, जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटुअर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया, जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया। और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था और क्योंकि दोनों
संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं। इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्दर्शनों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। उपयुक्त सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने काकिलिया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमएस की डिग्री ली। और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद बता दिया गया भी, वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई और एक अलग श्रृंखला एमएस कुमार के जिन्होंने भीम को काम सुना था वह फिल्म के नुवानेन के कार्यक्रम निर्माता बने, जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियर ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई, जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया। वहीं पर कहा जाता है जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई, दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं, जिसकी कास्म खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई, भीम ने पीजेड गुरु और वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहां पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहां पर फिल्म को जीताख और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्य से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लॉ दी स्पॉटलाइट के साथ उनके एल्बम के अधिकांश गाने व लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो भीष्म सिसोदिया वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है। बताया जाता है साकला शंकर जो एक भारतीय बैटर राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं, वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ 10वीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉय में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में, इसके बाद कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणो अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामूढ़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर
परजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया, बताया जाता है पृथ्वी जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ, जो एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उप नाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल्ड एल्स कांग्रेस पार्टी राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तंभ के द्वारा संचालित BCCI टीवी चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ुपेरिक द्वारा हुआ, जहाँ पर उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया और इसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तामीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म को श्रृंखला को ऑडिशन YouTube पर वायरल हो गई, जहां पर ABB के द्वारा काफ़ी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं, जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश ज्यादातर सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखर काकुमुला द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्दर्शन किया जहां पर डॉलर डीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली, जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता, जहां पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमानेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेंडिक द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे गए, जहां पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है, जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चितरपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए, जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम बदल लिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बॉम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देश शुरू, जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी, जो 2022 को इसे रिलीज किया गया और इसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया, जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्य के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देव गीला सुधीर गहन, जिसके बाद यह श्रृंखला काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला
ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और अपनी श्रृंखला में एक बेहतरीन देखी गई। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी को 2022 में, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो जेपी चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांक के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधीर गालिक और सुधीर और सगन सिप्पिक और संगीत को विम सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिपिक के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छायाकान की जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को भीष्म सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहाँ पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया, जहाँ पर फिल्म को आलोचकों का मिश्रित समीक्षा मिली, जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म है, यह नियमित प्रेम कहानी है, लेकिन सुली गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधी गाली सुधीर व गेहन सिपिक अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया भर में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपए और 5वें दिन 65 लाख, 6ठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपए का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधी गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय निर्देशक व पाठकथा के साथ देखा गया, जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्टर जबरदस्त पो पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनरेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के विजयाड़ा द्वारा देखे गए, जिसके आनंददायक सक्षम रूप से है और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ, जहां पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के 2 लीडरों को एक नाम बना दिया।
किया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा, जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के 3rd के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली छमाही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी छमाही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है, जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित 3 मंजी के द्वारा अभिनय किया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया, जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला लोड के साथ रही, जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं, भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जानी लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल लेओन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था, जैसा ये गायकों को स्वयं कहता था और यहाँ तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुधमान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। भीष्म सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था, जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गहन रुचि की थी, जहाँ पर विशेष रूप से शिशरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी 8वीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वे अभी भी रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं और वर्ष बाद भीम को खनन में अपने डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक TV शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए, जहां पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया, जहां पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया। दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया, जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे। हालांकि वह निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर, जो उस पर समय के साथ
आयुधमान के साथ काम किया और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधुमयान के साथ संगीतकार वंदेत्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओजना करनाक द्वारा गाया गया, जहां पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुधिर तौर मत्रन मुगध का कर देना था, जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटुअर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया, जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियों में रही, जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया। और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था, क्योंकि दोनों संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं। इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्देशकों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। उपयुक्त सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने काकिलिया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमएस की डिग्री ली। और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद बता दिया गया भी वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई और एक अलग श्रृंखला एमएस कुमार के जिन्होंने भीम को काम सुना था वह फिल्म के नुवानेन के कार्यक्रम निर्माता बने, जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियार ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई, जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया। वहीं पर कहा जाता है जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई, दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं, जिसकी कसम खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई, भीम ने पीजेड गुरुड़ वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहां पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहां पर फिल्म को जीताख और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्य से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लौट दी स्पॉटलाइट के साथ उनके एल्बम के अधिकांश गाने व लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो भीष्म सिसोदिया वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है। बताया जाता है साकला शंकर जो एक भारतीय बैटर राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं, वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ 10वीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉय में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में, इसके बाद
साथ कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणो अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामूड़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर परनजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया, बताया जाता है पृथ्वी जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ जो एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उप नाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल एल्स कांग्रेस पार्टी राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तम के द्वारा संचालित BCCI TV चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ुपेरिक द्वारा हुआ, जहाँ पर उन्होंने एक प्रसिद्धि अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया और इसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तामीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म को श्रृंखला को ऑडिशन यूट्यूब पर वायरल हो गई, जहां पर ABB के द्वारा काफ़ी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं, जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश ज़्यादातर सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखर काकुमुलाक द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्दर्शन किया जहां पर डॉलर ड्रीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली, जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता, जहां पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेंडिक द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे गए, जहां पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चितरपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए, जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम
बदल दिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बॉम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देशक शुरू, जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी, जो 2022 को इसे रिलीज किया गया और इसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया, जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्य के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देवगीला सुधीर गहन, जिसके बाद यह श्रृंखला काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और अपनी श्रृंखला में एक बेहतरीन देखी गई। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी को 2022 में, हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गालोड फिल्म के बारे में, जो 2022 के भारतीय तेलुगु भाषा के रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो जेपी चंद्रशेखर द्वारा लेखक के साथ लिखी गई और निर्देशित किया गया और सांस्कृतिक फिल्मांक के बैनर तत्व के निर्मित की गई। इस फिल्म में सुधीर गालिक और सुधीर और सगन सिपिक और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसका निर्देशक राजा शेखर रेड्डी पुलिचंद्रन है। वहीं पर इसका लेखक राजा शेखर रेड्डी का पुरीचरण के द्वारा किया गया। वहीं पर इसका उत्पादन चंद्रशेखर के साथ किया गया। वहीं पर अभिनेता सुली गोरी के रूप में देखा गया है और गहन सिपिक के साथ बनाया गया। वहीं पर बात करें तो छाया खान की, जो सीए राम प्रसाद के साथ देखा गया और संगीत को विष्णु सिसोदिया द्वारा दिया गया। वहीं पर इसकी उत्पादन संपत्ति के साथ देखे गए। वहीं पर इसकी उत्पादन कंपनी सांस्कृतिक फिल्म रही। वहीं पर इसे रिलीज की समय अवधि 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया और कार्यक्रम समय अवधि 125 मिनट का था। यह भारत देश के तेलुगु भाषा के साथ मूवी को लॉन्च किया गया और इस मूवी की लागत बजट को देखते हुए मूवी ने एक अच्छे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। वहाँ पर गाला लोडू मूवी को 18 नवंबर 2022 को रिलीज किया गया, जहाँ पर फिल्म को आलोचकों व मिश्रित समीक्षा मिली, जहाँ पर फिल्म के डिलीट के साथ आधिकारिक आहा के द्वारा हासिल किए गए और इसे स्ट्रीमिंग द्वारा 17 फरवरी 2023 को जारी किया गया। वहीं पर बात करें तो गालोडा मूवी को आलोचकों व दर्शकों के द्वारा मिश्रित समीक्षा मिली और फिल्म को तेलुगु में 5 में से 2.25 रेटिंग देते हुए लिखा गया कि फिल्म की कोई कहानी नहीं है और यह भावनात्मक रूप से कमजोर फिल्म या नियमित प्रेम कहानी है, लेकिन सुली गाली के सुधीर के अलग को देखते हुए शानदार प्रदर्शन है, जिसके बाद बताया जाता है कि उनके साथ सहमति के साथ देखे गए और उन्होंने सुलीगाधक सुधीर को त्याग कठोर को इस बार शानदार प्रदर्शन के साथ उसे ठोस टाइम ऑफ इंडिया के निकोटियम्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा गया। वहीं पर सुधीर गाली सुधीर व गहन सिपिक अपनी शैली से जुड़े हैं और वह कमजोर कथनांक के साथ एक्शन से भरपूर सामूहिक मनोरंजनकर्ता के रूप में सामने आते हैं। वहीं पर द न्यूज मिनट के 6 बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 5 में से 2.57 करोड़ की कमाई की और इसके संग्रहालय के साथ देखे गए। वहीं पर दुनिया भर में पहले दिन मूवी ने 1.21 करोड़ का रुपए का कमाई किया और दूसरे दिन 1.14 करोड़ और तीसरे दिन 1.61 करोड़ का कमाई किया और चौथा दिन 84 लाख रुपया और 5वें दिन 65 लाख, 6ठे दिन 52 लाख और कुल मिलाकर के 5.97 करोड़ यानी 3.25 रुपये का शुद्ध संग्रहालय किया। वहीं पर बात करें तो यह रोमांटिक के साथ सुधीर गालिक सुधीर द्वारा देखा गया है और बनाया गया। बताया जाता है कि एक भारतीय
निर्देशक व पटकथा के साथ देखा गया, जहां पर अभिनेता टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता व तेलुगु व टेलीविजन में काम करते हैं। वह टीवी शो के जबरदस्त एक्ट्रेस जबरदस्त पो पोराग द्वारा धीरे अल्टीमेट डांस शो के साथ नजर आ चुके हैं और उन्होंने 2018 के साथ हैदराबाद टाइम्स मोटर डिजाइनेबल ऑन द टीवी के साथ 13वें द्वारा स्थान को हासिल किया गया। वहीं पर सुधीर आनंद के बयान को जन्म में आंध्र प्रदेश व कृष्ण जिले के विजयाड़ा द्वारा देखे गए, जिसके आनंददायक सक्षम रूप से है और बनाया गया। वहीं पर इसके साथ ही साथ मूवी को आयोजित कर दिया गया और सुधीर ने अपने करियर की शुरुआत राम कोजिक द्वारा फिल्म सिटी के नाम के जादू शो से किया था और उसके दूसरे शो के साथ एक स्ट्रमिंग मैजिक स्वीट मैजिक शामिल हुआ, जहां पर 2013 में उन्होंने जबरदस्त एक्स्ट्रा जबरदस्त के साथ सदस्य के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और बाद में शो के दो लीडरों को एक नाम बना दिया। वहीं पर उन्होंने धी शो सीजन में 9 के लीडर के रूप में प्रवेश किया और लगातार 5 सीजन तक जारी रखा, जहां पर 2016 में उन्होंने सरदार गब्बर सिंह और जैसी उल्लेखनीय फिल्मों को कुछ चरित्र की भूमिका निभाई और बंटी का फूला जानकारी था और शो के 4 एपिसोड के मेजबानी के अगले वर्ष और उन्होंने फिल्म सॉफ्टवेयर सुधीर में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत के साथ फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकेश द्वारा समीक्षा के 3rd के साथ अपने अगरकर को बताते हैं और आपको लगता है कि वह पहली छमाही में बेतुकाफन और सबसे ऊपर तो दूसरी छमाही में आपको गलत साबित करती है और इससे भी अगले निकल जाती है, जहां पर 2020 में उन्होंने अनिल कुमार व द्वारा निर्देशित 3 मंजी के द्वारा अभिनय किया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनकी समीक्षा के साथ मिश्रित समीक्षा की और ठगल पथक के साथ लिखा गया, जिसके निर्देशक में अनिल कुमार जी गंदगी से भरी कहानी में कुछ भावुक नाटक लाने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह से विफल हो जाते हैं और वह 2022 में उनके गोला लोड के साथ रही, जहां पर हास्य के साथ देखे गए और इसके ड्रामा को काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म के गोट के साथ देखे गए। वहीं पर इसमें भीष्म सिसोदिया को संगीत निर्माण के साथ देखा गया। बताया जाता है कि भीष्म सिसोदिया जो एक भारतीय संगीतकार हैं, भीम को बात करते हुए उनकी रचना को जानी लगी और वह उपशैली के सांस्कृतिक के रूप में लोकनाथों से मिलती जुलती है और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लोक पश्चिमी भक्ति गायक व एकन के बहुमुखी व तेलुगु गायक नागोल स्वामी रेड्डी द्वारा गाए गए एकल लेन पोथिक मनीष के साथ गीत को लिखते हैं और उन्होंने म्यूजिक ट्रैक द्वारा 2019 में COVID-19 महामारी को अगस्त 2020 तक तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और पर्याप्त मुद्दों के बारे में लिखा था, जैसा एक गायकों को स्वयं कहता था और यहां तक ट्रैक माँ के प्रकृति व मानवता के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया। वह आयुधमान में राजू से संगीत के रूप में रातों रात मशहूर हो गए और तेलुगु फिल्म उद्योग में भीम के कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में बंगाल व टाइगर के गरुड़ वेग और हाल ही के धमाका बलगांव के साथ शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने आलोचनात्मक प्रशंसा को अर्जित की। भीष्म सिसोदिया का जन्म तेलंगाना के तत्काल खम्मर जिले के गरिया बयराम के एक प्रमुख रूप से कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और उनका अंतिम नाम सिसोदिया और उनके पिता को जोड़ा गया था, जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के दर्शन और उनकी गहन रुचि की थी, जहाँ पर विशेष रूप से सीसरों व गैलरियों के कार्यक्रम और अपनी शुरुआत किशोरावस्था में भीम ने अपने गृहनगर के सामाजिक आंदोलन पर गहरी नज़र रखते हैं और उनका कहना है कि इसी से सबसे पहले उनके संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया गया और अपनी 8वीं कक्षा में भीम के गीत को लिखा और संगीतबद्ध करना शुरू कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक व अन्य सामाजिक विषयों पर आधारित थी और उन्होंने कई फिल्म प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वे अभी भी रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं और वर्ष बाद भीम को खनन में अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे और वह वारंगला में एक टीवी शो के चैनल द्वारा आयोजित गायन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर को मिलाने और इसके बाद वह तेलुगु सिनेमा के साथ
अभिनेता संगीत करने व अवसरों की तलाश करने 2002 के हैदराबाद चले गए, जहां पर प्रतियोगिता द्वारा अपने प्रयास का सुझाव दिया। जहां पर 2002 के शुरुआत में भीम ने अपने काम प्रस्तुति करने और उसके लिए रचना करने के लिए अवसर प्राप्त कर रहे थे और उनके प्रयास करते हुए तेलुगु सिनेमा के साथ देखे गए और वह काफ़ी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाया। दूसरी बात को आगे बढ़ाते हैं जिसके साथ समीक्षा को उजागर करते हैं और कहा जाता है कि इस भूमिका के साथ उसने अपने सिसोदिया के साथ रचना ली। वहीं पर अपने संपर्क के साथ फैसला किया, जैसा कि उनका मानना था कि तेजा ऐसे व्यक्ति थे जिनके दरवाजे हमेशा नए लोगों के लिए खुले रहते थे। हालांकि वह निर्देशक तेजा के संपर्क करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह अपने सहायक निर्देशक में भी सूर्या राजू के सामने अपना काम प्रस्तुत करने के लिए सफल रहे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की और उनके अपने करीबी सहयोगी को पहुंचाने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने भीम तक पहुंचने में मदद की। वह तेलुगु निर्देशक एस शंकर जो उस पर समय के साथ आयुधमान के साथ काम किया और तेलुगु फिल्म निर्देशक एन शंकर ने भीष्म काम को सराहा गया। वह 6 महीने बाद उन्होंने 2003 के साथ उनके संपर्क किया, जब भीष्म को पता चला कि वह फिल्म आधुमयान के साथ संगीतकार वंदेत्रम श्रीनिवास द्वारा जिसमें भीष्म के साथ मिल गए और जब वह पूछा गया तो उनके आराम के साथ देखे गए। वहीं पर कहा जाता है कि जहां पर देखे जाते हैं और उसकी भूमिका को उजागर करते हैं, जिसके साथ ही साथ मूवी को लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ ही काम अपना प्रस्तुत करने के लिए भीम को ओजना करनाक द्वारा गाया गया, जहां पर फिल्म के निर्देशक संगीत के सनमुधिर और मत्रन मुगध का कर देना था, जिन्होंने फिल्म के संस्कार के लिए वेटवर सुंदर राम मूर्ति के साथ देखा गया, जिसमें फिर से लिखने का फैसला किया गया और अवसर के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही, जिसके साथ इस भूमिका के साथ मूवी को एक आयाम दिया गया। और अधमता में काम करते समय भीष्म के निर्देशक व संपत नदी के दोस्त थी, जिन्होंने इस फिल्म के साथ अपने संवाद लेखन के रूप में काम किया था, और क्योंकि दोनों संवाद प्लेटफॉर्म को संगीत व अन्य सुझावों के संदर्भ में फिल्मांकन के लिए रचनात्मक इनपुट का बातचीत करते हैं, इसके बाद भीष्म को देखा जाता है और इसके साथ ही मूवी को लॉन्च करती है। वहीं पर देखते हुए इसे देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है इसके साथ देखा गया और कहा जाता है कि इसके साथ ही मूवी को इनपुटों के साथ निर्देशकों निर्माताओं के साथ बातचीत की श्रृंखला के बाद जो काम नहीं कर पाएगी वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उपयुक्त सफलता के बाद भीष्म ने सिनेमा के आगे बढ़ने का फैसला किया और राजमुंद्री को एक कॉलेज बीएड की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने काकिलिया और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी एमएस की डिग्री ली और कहा जाता है कि इसके साथ भूमिका को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद बता दिया गया भी। वहीं पर देखते हुए काफ़ी बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके साथ ही मूवी लॉन्च हो गई और एक अलग श्रृंखला एमएस कुमार के जिन्होंने भीम को काम सुना था, वह फिल्म के नुवानेन के कार्यक्रम निर्माता बने, जिसके बाद उन्होंने भीम के संगीत को तैयार करवाया और 2012 में एस एल्बम ट्रैक द्वारा वेलियार ब्लैकबेरी के फोनुक जनता के द्वारा विशेष युवा के साथ लोकप्रियता देखी गई, जिसके साथ ही साथ इस भूमिका को देखते ही बनती और इस मूवी ने अपनी एक सक्षम रूप से बनाया। वहीं पर कहा जाता है जिसके बाद बहुत बेहतरीन ढंग से एक सुर्खियां दी गई, दूसरी और बात को आगे बढ़ा दिया गया और इस भूमिका ने अपने श्रृंखला के साथ देखा गया। वहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं और जिसके साथ झूठ बोलने के बारे में काटते हैं, जिसकी कास्म खाते हैं और नीचे देखे गए लोगों को अपने भीम के साथ बंगाल के टाइगर का मौका, जिसका निर्देशन उसके दोस्त संपत नारायण द्वारा देखा गया। वहीं पर बात करते हुए इस मूवी की श्रृंखला को आयोजित कर दी गई, भीम ने पीजेड गुरुड वेगा जैसी फिल्मों को एल्बम पर काम पर रखा जिसमें जारी किया और इसके ट्रैक को देखा, जिसके बाद बताया जाता है इस मूवी की श्रृंखला को बाद में 2021 में रवि तेजा के साथ भीम छवा के अति विश्वास को करते हैं और उनमें से अपनी अगली फिल्म धमाका के साथ संगीत को तैयार करवाया, जहां पर एल्बम शो के साथ 2022 में रिलीज हुआ और उनके करियर में एक बड़ी सफलता साबित हुई, जहां पर फिल्म को जीताख
और दंड दिलाया और उन्होंने अन्य उनकी रचना को माध्य से जनता के एक बड़े वर्ग के साथ उन्होंने जाना, जिससे उनकी दुनिया में लौट दी स्पॉटलाइट के साथ उनके एल्बम के अधिकांश गाने वह लोकनाथ से प्रेरित थे, जिसमें इसका अनुकलन का स्वागत हुआ और इस फिल्म के एल्बम के साथ उन्होंने व्यापक पहचान दिलाई और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिलहाल 2023 में इस मूवी को रिलीज किया गया और एक समीक्षा के साथ आगे बढ़ा दिया गया। वहीं पर बात करें तो यह मूवी एक बेहतरीन मूवी है, जिसके साथ ही साथ इसकी श्रृंखला को काफ़ी अच्छे से देखा गया। वहीं पर बात करें तो भीष्म सिसोदिया, वहीं पर सासा शंकर को भी देखा जाता है। बताया जाता है साकला शंकर जो एक भारतीय बैटर राइटर और इंडियन अभिनेता रह चुके हैं। वहीं पर इन्होंने अपनी भाषा में काम किया और हास्य भूमिका के लिए वह शंकर ने 2017 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले तेलुगु हास्य कलाकारों के दल में आ गए। वहीं पर इसने अपने शंकर के साथ दसवीं कक्षा में स्कूल को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 2002 में हैदराबाद चले गए। अवसरों की कमी के कारण उन्होंने कुछ वर्षों तक चित्रकार के रूप में काम किया और वह फिल्म के लाइटर मैन के साथ ऑफिशियल बॉय में जैसे छोटी नौकरी की, जहां पर शंकर का पहला मौका नोटबुक 2007 में इसके बाद कॉमेडियन शो जबरदस्त अभिनय करने का कहा, जहां पर उन्होंने अपनी पहचान मिली और बाद में वह शंकर फिल्मों की ओर से चले गए, जहां पर 2017 के साथ उन्होंने आनंदो ब्राह्मणो अभिनय किया जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनकी भूमिका की सबसे अधिक आलोचनात्मक कही गई। वहीं पर साकला शंकर द्वारा जब भूत को चमका देने ते हैं और लोकप्रियता अभिनेताओं के साथ उनके प्रति संवादों की नकल करते हैं तो माहौल खराब किया जाता है। ससमों के साथ शंकर के साथ मुख्यतः अभिनेता के रूप में डेब्यू करने से पहले कई हास्य भूमिका दिखाई गई और उस वर्ष के बाद उन्होंने ड्राइवर रामूड़ी के अभिनय किया जो अभी तक रिलीज नहीं थी। वहीं पर अभिनेता राजनेता व पवन कल्याण को अपना आदर्श मानते हैं और 2020 के शंकर परनजीवी के रूप में राम गोपाल वर्मा और भूमिका के लिए राम गोपाल वर्मा के बायोपिक के साथ शंकर की मुख्य भूमिका के साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिसके बाद शंकर का जन्म का पोषण करते हैं। वहीं पर इसमें पृथ्वी को देखा गया। बताया जाता है पृथ्वी, जिनका जन्म 6 अगस्त 1974 को हुआ, जो एक भारतीय अभिनेता राजनीतिज्ञ तेलुगु फिल्म में दिखाई देते हैं और उन्होंने अपनी हास्य भूमिका के लिए जाने वाले हैं। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम अभिनय किया और लोकप्रियता से 30वीं इंस्टर उपनाम के लिए जाना जाता है, जहां पर 2002 के फिल्म खंडगलम के साथ उनके द्वारा बोला गया। वहीं पर फरवरी में उसे 2019 में आंध्र प्रदेश की वाइल एल्स कांग्रेस पार्टी राज्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया और उन्होंने जनवरी 2020 तक तिरुमला के साथ तिरुपति देव स्तंभ के द्वारा संचालित BCCI TV चैनल के अध्यक्ष पृथ्वीराज के जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के साथ ताड़े गाड़ूपेरिक द्वारा हुआ, जहां पर उन्होंने एक प्रसिद्ध अभिनेता MS भास्कर रेड्डी और इविन सत्यनारायण के साथ अपनी पहली फिल्म ओकीला के साथ सदकुलक द्वारा प्रवेश किया और इस फिल्म के दौरान उन्होंने अपने राम गोपाल वर्मा के साथ 40 दिन बिताए, जहां पर उन्होंने अपने फिल्म उद्योग के बारे में सीखा और उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों की भूमिका निभाई, जहां पर कृष्ण के वामसी द्वारा खंडकलक द्वारा 2002 में अभिनय किया, जिसके बाद विवाद के साथ 2019 में वह वेंकटेश जब भक्ति चैनल के अध्यक्ष के तमीज द्वारा देखे गए, जहां पर उन्होंने जनवरी 2020 में SBI CV टेबल के साथ कर्मचारी के रूप में उन्होंने OD2 प्लेटफॉर्म को श्रृंखला को ऑडिशन YouTube पर वायरल हो गई, जहां पर ABB के द्वारा काफ़ी कर्मचारियों का विरोध करते हैं और उसके चैनल के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने का आग्रह भी करते हैं, जिसके साथ ही वह वेंकटेश के भक्ति चैनल के अध्यक्ष में इस्तीफा दिया गया, जिसके साथ ही कहा जाता है। वहीं पर इसमें बात करें तो सत्य कृष्ण जो एक भारतीय तेलुगु अभिनेता गायकर और एक्ट्रेस है, वह मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में देखे जाते हैं और उनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना भारत में हुआ। उन्होंने एक होटल प्रबंध पेशेवर रूप से काम किया और उन्होंने डॉलर ड्रिस्ट द्वारा फिल्म उद्योग में प्रवेश ज्यादातर सहायक भूमिका अभिनय करने वाली वह संभवत को 2004 के शेखर काकुमुलाक द्वारा निर्देशित तेलुगु आनंद में अनीता के रूप में उनके प्रदर्शन देखा गया। वहीं पर सत्या कृष्ण हैदराबाद में जहां उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपने गृहनगर में ताज
समूह के होटलों के साथ काम किया और वह एक एयर हॉस्टेज बनना चाहती थी, लेकिन वह 2000 के शेखर कामुलाक का निर्दर्शन किया जहां पर डॉलर डीम्स द्वारा देखे गए और उसके उद्योग में प्रवेश के बाद उन्होंने शादी कर ली, जहां पर पंजाक द्वारा देखे गए और बैंक में नौकरी कर ली, जहां पर 4 साल के बाद उन्होंने सक्षम रूप से देखते हैं और उसकी साथ ही साथ फिल्मों में अपनी लिए एक नंदनी पुरस्कार जीता, जहां पर उन्होंने सुपरहिट बॉम्बलीरू और परमेंट इंटू के वेंकट के चूड़ी पेंडिक द्वारा सोहयगी और सिनेमा एक्सप्रेस के साथ देखे गए, जहां पर 2020 में भूमिका को उजागर कर दिया गया और इसे लॉन्च कर दिया गया। वहीं पर बात करें तो इसमें सप्तागिरी को देखा जाता है जो एक भारतीय बहुत अच्छे अभिनेता रह चुके हैं। सप्तागिरी के साथ देखी गई और इनकी बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन सप्तागिरी व पालन पोषण आंध्र प्रदेश के चितरपुर जिले के इंदिरा गाँव में हुआ। उनके पिता वन विभाग गार्ड थे, हालांकि उनका जन्म वेंकटेश के प्रभु व प्रसाद लोहरा द्वारा देखे गए, जहाँ पर तिरुमला के साथ हुई घटना के बाद उनका नाम बदल लिया गया। वहीं पर सप्तागिरी अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए हैदराबाद चले गए और ब्रेक मिलने से पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया और उन्होंने भास्कर व फिल्म के बॉम्बई रिलू द्वारा फिल्म के अभिनय करियर की शुरुआत की और वह हास्य निर्देशक रूप से काम करते हुए सप्तागिरी को हास्य कलाकार की भूमिका निभाने का मौका मिला। कम बजट की कॉमेडी फिल्म में पारसरिक रूप से प्रसिद्धि मिलने के साथ मिनी ब्रह्मनंदिनी और सप्तागिरी जिन्होंने अपना करियर का सहायक निर्देश शुरू, जिसके बाद बताया जाता है कि वह फिल्म के साथ कॉमेडियन आमतौर पर काम के श्रृंखला को प्रसिद्धि मिली। वहीं पर बताया जाता है कि यह मूवी गालोडा बहुत बेहतरीन थी जो 2022 को इसे रिलीज किया गया और इसे दर्शकों के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस मिला। वहीं पर इस मूवी को 18 नवंबर 2022 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया और इसे समीक्षा के साथ सकारात्मक समीक्षा के रूप में देखा गया, जहाँ पर देखे गए और संपर्क कुरिंग के द्वारा इसे कला निधित्य के साथ 18 नवंबर 2022 को मूवी की एक अच्छे श्रृंखला के साथ भाषण तेलुगु में रजनीकांत व देवगीला सुधीर गहन, जिसकी बाद यह श्रृंखला काफ़ी बेहतरीन थी। वहीं पर बताते हुए गोडला ने 18 नवंबर को यह भूमिका को रिलीज किया और वह आलोचकों के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। फिल्म ने डिजिटल आधिकारिक आहा द्वारा हासिल कर लिया, जिसके बाद ही बताया जाता है कि यह द न्यूज मिनट के 6 दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में बम बन गई। मूवी ने काफ़ी बेहतरीन श्रृंखला दी, जिसके साथ आयोजित को अपने गोडवाला के साथ देखे गए और